नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को एसिड एंड बेस का प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एसिड के प्रॉपर्टी में हमारा जो है पहला प्रॉपर्टी आ जाएगा उसका टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एसिड्स हम लोगों का जनरली खट्टा होता है। शुरुआत में जितने भी हम लोग कंपाउंड्स जिनको एसिड के रूप में जाना गया वो सब सारे खट्टे होते हैं। तो एसिड्स कहा गया कि इनका टेस्ट खट्टा होता है। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। वहीं जो बेसेस होते हैं इनका टेस्ट कड़वा जो होता है, बिटर। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड आया इंडिकेटर बेस्ड। एसिड जो है वो लिटमस पेपर में ब्लू को रेड, लिटमस पेपर में हमारा आया ब्लू टू रेड। वहीं हमारा बेस क्या किया, लिटमस पेपर पे रेड लिटमस ब्लू कर दिया। इसके अलावा भी हमारे जितने इंडिकेटर्स हैं उनको हम लोग इसमें लिख सकते हैं। जैसे हमारा मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल ऑरेंज क्या किया, मिथाइल ऑरेंज हमारा ऑरेंज कलर का होता है, तो ऑरेंज टू रेड। वहीं हमारा जो है बेस क्या करेगा मिथाइल ऑरेंज पर, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू येलो। फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन हमारा कलरलेस होता है, तो वो हमारा कलरलेस रहेगा एसिड में। वहीं फिनोफ्थलीन का अगर हम लोग बेस में चेक करें तो पिंक हो जाता है, एंड सो ऑन। ये हमारा इंडिकेटर पे हो गया। इसके अंदर हम लोग टर्मरिक वाला लिख सकते हैं, बाकी सारे जितने इंडिकेटर्स हैं हम इसमें डाल सकते हैं। थर्ड, इसका जो सॉल्यूशन होता है एसिड का उसमें हमारा एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन हैज एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल, बिग ब्रैकेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है। Has higher concentration of H plus than OH minus. ऐसा नहीं है कि एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें OH minus होगा ही नहीं, उसमें हमारा जो OH है उसका क्वांटिटी कम होगा। उसी तरह बेस के केस में बेस सॉल्यूशन हैज ओएच का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ऑल एसिड्स प्रोड्यूसेस एच प्लस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो एच प्लस प्रोड्यूस करता है, वहीं बेस जो है ऑल बेसेस प्रोड्यूसेस ओ एच माइनस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में
ये OH माइनस प्रोड्यूस करता है। ये सब सारे अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के बेसिस पर था। हमारा जो है अब केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होता है? एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। एसिड्स आर कोरोसिव टू मेटल। एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स लिबरेट H2। एग्जाम्पल, जैसे हमारा जिंक H2SO4 डाइल्यूट तो ZnSO4 प्लस H2। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ जो है बेसेस रिएक्ट ही नहीं करेंगे, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस एज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो हमारा मेटल क्या होगा, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बेस क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एसिड जो है वो कोरोसिव होगा मेटल के लिए, यानी कि मेटल के ऊपर अगर एसिड गिरा तो उसके एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर को क्या करेगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा, रिएक्शन कर जाएगा। जितना एसिड उस पर गिरेगा उतना रिएक्शन उस पर एसिड रिएक्शन करके उसने लेयर को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए मेटल्स पे जो है एसिड कोरोसिव होते हैं। एसिड को हम लोग मेटल में कंटेनर में नहीं रखते हैं क्योंकि वो धीरे 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 क्या जाएगा, खा जाएगा मेटल को, कोरोड कर देगा। लेकिन हम लोग का जो है मेटल के साथ बेस रिएक्शन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि मेटल भी बेसिक होता है नेचर में। तो कोई भी मेटल अगर है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर नोट ध्यान समझना। एम्फोट्रिक मेटल्स, मेटल्स हमारे जो हैं, नॉर्मल मेटल्स भी होते हैं और एम्फोट्रिक मेटल्स भी होते हैं। एम्फोट्रिक मेटल्स उनको कहते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, जिनमें ड्यूअल प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसे मेटल्स जो नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो देयर आर सम मेटल्स जो कि हमारे क्या होते हैं, एम्फोट्रिक होते हैं नेचर में। एम्फोट्रिक का मतलब हुआ ऐसे मेटल्स या ऐसा नेचर जिसमें ड्यूअल नेचर हो, ऐसा सब्सटेंस जिसमें ड्यूअल नेचर हो। तो मेटल्स में जब एसिड के साथ रिएक्ट करना और बेस के साथ रिएक्ट करना दोनों कैरेक्टरिस्टिक शामिल हो तो हम उसको बोलते हैं एम्फोट्रिक। सम मेटल्स कैन react with acid as well as base,
वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब इसमें जो जो लिखवा रहे हैं वो याद रखना कि कौन कौन सा मेटल लिखवा रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लीड, ये ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और इसलिए इनको एम्फोटेरिक मेटल्स कहा जाता है। जो सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है, जो हमारे लेस रिएक्टिव हैं वो नहीं करेगा बट बाकी सब करेगा। हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव रिएक्शन नहीं करेगा बट बाकी सारे जो हैं रिएक्शन करेंगे। एंड जो मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करेगा जैसे ये चारों, उन सबको हम एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं और वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा जैसे Zn प्लस NaOH, Na2 ZnO2 प्लस H2, ये हमारा जिंक जो है NaOH के साथ रिएक्ट करता है, Na2 ZnO2 बनाता है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन। तो एम्फोटेरिक मेटल्स भी जो है बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट with base and liberate hydrogen, otherwise हमारे और कोई जो है metal base के साथ react नहीं करते। less reactive metals लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं, इतना ये एक्टिव नहीं होते हैं, ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिक्स जो है हमारा पॉइंट है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो अगर हम लोग का कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, जैसे मेटल्स बेसिक होता है नेचर में, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है। तो एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिड्स on reacting with metal oxide gives salt and water, note जो metal oxides होते हैं
आर बेसिक इन नेचर? नेचर में बेसिक होते हैं। तो इस तरह बेस के साथ जो रिएक्शन हम लोग जानते हैं वही रिएक्शन यहाँ करना है कि हमारा जो है मेटल ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं MgO प्लस HCl, MgO का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो हमारा बनेगा MgCl2 प्लस H2O। सो ये हमारा हो गया मेटल ऑक्साइड, ये हमारा हो गया एसिड जो कि यहाँ डाइल्यूट होगा, ये हमारा हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर। तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो ये हमारा रिएक्शन सारे तरह के मेटल ऑक्साइड पर वैलिड है। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड क्या आएगा, नो रिएक्शन। हमारे बेसिस जो हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सो बेसिस जो हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। Bases do not react with metal oxide, but there is exception. हर बार exception होता ही है, chemistry में exception पे ही तो question बनता है। Exception amphoteric metal oxide. एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड जो भी होगा वो रिएक्शन करेगा, और एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड उसी तरह रिएक्शन करेगा जिस तरह हमारा यहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा। एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, सॉरी रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा जैसे इसमें बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Al2O3 का रिएक्शन करा दें NaOH के साथ तो हमारा बनेगा NaAlO2 प्लस H2O। एक्सेप्शन में हमारा है एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड। एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड जैसे ये हमारा हो गया, जैसे एम्फोटिक मेटल होते हैं उसी तरह एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड होगा। एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। हो गया बैलेंस। एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और वाटर बनाया, ठीक है। तो ये हमारा एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन है। जनरली और कोई मेटल ऑक्साइड होगा वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे अगर हम MgO दे दें, उसका कहें NaOH के साथ रिएक्शन बताओ, तो हमको लिखना है नो रिएक्शन। बट एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड दे देंगे तो उसका रिएक्शन हमारा बेस के साथ होगा एंड सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा, जैसा हमारा यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एम्फोटिक मेटल ऑक्साइड एम्फोटिक मेटल्स जैसे हम बताए एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, लेड, ये चारों का जो ऑक्साइड है, जैसे यहाँ पर Al2O3 लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वैसे जिंक ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, इनमें से कोई सा रहेगा तो रिएक्शन होगा। ये जो हम लोगों का रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। एक्सट्रैक्शन पार्ट में ये फिर से आएगा, तो ये रिएक्शन हमारा रिपीट होने वाला रिएक्शन है। 7th में हम लोग ले सकते हैं रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड।
तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड एक तरह से क्या है, बेस है। तो एसिड्स जो होता है वो बेस के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विथ बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल जैसे NaOH, अगर इसका रिएक्शन हम लोग HCl के साथ कराएं, H2SO4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर जगह HCl ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ HCl का ही रिएक्शन वैलिड होगा। तो NaCl प्लस H2O, जैसे KOH, इसका रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ, तो हम लोगों को आ जाएगा K2SO4 प्लस H2O। रिएक्शन विथ बेस या मेटल हाइड्रोक्साइड, सीधा सीधा नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन, एसिड एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो सीधा सीधा नो रिएक्शन। लेकिन हमारा ये बेस रिएक्शन करेगा, रिएक्शन विथ एसिड, तो सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही रिएक्शन होगा। बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2O, ये हमारा एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल इसमें अलग से ले लेते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CH3COOH, तो हमारा बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस CA प्लस H2O, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन एसिटिक एसिड से करेंगे तो कैल्शियम एसीटेट प्लस वाटर बन जाएगा। अब इसमें हमारा नोट क्या आएगा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन या किसी बेस का किसी एसिड के साथ रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई हो तो दोनों ही थकेंगे, तो वैसे ही एसिड बेस दोनों आपस में जब न्यूट्रलाइज होगा, रिएक्शन करेगा, तो दोनों जो है अपना अपना एनर्जी लॉस कर देता है एंड एक्सोथर्मिक इसी वजह से रिएक्शन हो जाता है। तो कभी भी हमारा केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस के बीच होगा तो उस दौरान हीट एनर्जी रिलीज होता है। नेक्स्ट हम लोगों का है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ले लें, अगर NaHCO3, तो कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट जो होता है इसका नेचर होता है बेसिक। तो बेसिक है और कोई एसिड ले लेते हैं जैसे HCl, तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ही, और बेस एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो हमारा क्या बनाता है, सॉल्ट।
तो ये दोनों भी मिलकर बनाएगा सॉल्ट। जैसे यहाँ पर आ गया Na और यहाँ आ गया Cl, तो NaCl जो कि हो गया सॉल्ट। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाएगा H2O। एंड एक प्रॉपर्टी हम कार्बोनेट कंपाउंड्स का हमेशा बताए हुए हैं कि हमारा इस तरह का कभी भी कंपाउंड होगा तो उस दौरान CO2 जरूर निकलेगा। तो सॉल्ट, ये हो गया वाटर, एंड ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कभी भी एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। एसिड ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स सॉल्ट वाटर एंड CO2। एग्जाम्पल में हमारा ये हो गया। नोट इसमें ध्यान रखना है, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर। ये हमारे नेचर में बेसिक होते हैं। अब अगर ये बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब बाइकार्बोनेट वाले कंपाउंड्स के साथ एक कंडीशन आ जाता है कि CO2 भी निकलेगा। अभी तक हमने पढ़ा था कि बेस प्लस एसिड जो है वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो बाइकार्बोनेट वाला जो कंपाउंड हो गया या जिसमें CO2 है, वो CO3 कंपाउंड है, उसमें CO2 जरूर निकलता है। तो बाइकार्बोनेट वाले में हमारा CO2 निकलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बेस का अगर हम लोग देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट तो मेटल बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो हमारा बेस बेसिक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर बेस बेसिक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो आएगा नो रिएक्शन। फिर भी अगर हम लोग ऐसा कुछ कंपाउंड डाल लें, जैसे मान लेते हैं कि हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का केस आ जाए, तो वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नोट, इन सम रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टेक प्लेस। अब जैसे मान लेते हैं CaHCO3 है, इसमें अगर हम लोग जो है, ये हमारा एक तरह का बेसिक सॉल्ट है, अगर हम इसमें जो है KOH डाल दें तब वैसे केस में ये बना लेगा KHCO3 प्लस CaOH का होल टॉइस, यहाँ पर 2 बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नो रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नया प्रोडक्ट इन द सेंस कि यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बेस, बेसिक सॉल्ट बेस, तो इसलिए इस केसेस को कहते हैं नो रिएक्शन। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नो रिएक्शन होगा, वो डाल दो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट।
एसिड ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करेगा गिव्स सॉल्ट वाटर एंड CO2. सेम रिएक्शन हमारा आ जाएगा जैसे हमारा Na2CO3 हो, और यहाँ रिएक्शन कराएं हम HCl के साथ. तो Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है, ये हमारा एसिड है. यहाँ बनेगा NaCl जो कि हमारा है सॉल्ट, H2O बनेगा जो कि हो गया वाटर, एंड CO2 दे देगा. इसमें भी नोट में हमारा क्या ध्यान में रखना है कि मेटल कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर, बेसिक सॉल्ट्स या बेसिक इन नेचर. वहीं अगर हम लोग बेस के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो केस आ जाएगा नो रिएक्शन का, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट तो आएगा क्या, नो रिएक्शन. बेस और बेसिक सॉल्ट के बीच में रिएक्शन कहाँ से आएगा, होगा ही नहीं. बेस के साथ एक रिएक्शन हमारा रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक. तो एसिडिक अगर कोई चीज है तो वो हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा. तो बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. जैसे अब मान लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक CO2, इसका रिएक्शन बेस से करा देते हैं जैसे NaOH, तो हमारा क्या होगा Na2CO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा. टू पर बैलेंस हो गया. तो ये हमारा जो CO2 है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH हमारा बेस हो गया, ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये हमारा वाटर हो गया. तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है तो हम लोग इसमें क्या आ जाएगा, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड नो रिएक्शन. बट इतना याद रखो कि हमारा रिएक्शन जो है वो दो केमिकल के बीच होता है जब भी, तो उसमें जिसका पावर ज़्यादा होगा वो अपना प्रॉपर्टी शो करेगा. जैसे हम लोग एक रिएक्शन देख चुके हैं एक्वारेजिया का, रिएक्शन ऑफ एक्वारेजिया. इसमें हम लोग क्या लिए थे, HCl प्लस HNO3. NaCl प्लस H2O प्लस Cl. अब अगर इस रिएक्शन में हम लोग देखें तो ये भी एसिड है
और ये भी एसिड है, बट बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो इनमें रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ इस बात पे लिमिटेड नहीं है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बल्कि इस बात पे रिएक्शन हमारा डिपेंड करता है कि क्या रिएक्शन के बाद मोर स्टेबल कंपाउंड बन रहे हैं, लेस एनर्जेटिक कंपाउंड बन रहे हैं, फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल है का मतलब होता है कि क्या वो रिएक्शंस होने के बाद जो प्रोडक्ट हैं वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं है कि हमारा एसिड बेस के साथ, बेस एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल देखा जिसमें एसिड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ऐसे केस में हमारा जो स्ट्रॉन्ग वन है, स्ट्रॉन्ग एसिड विल बिहेव लाइक एसिड, वेयर एज वीक वन विल बिहेव लाइक बेस।